प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर रे केमिति पढ़िले एवं केउको नियम गुडी को पालन कले तो आपणकर परीक्षा रे 80% रु 90% मध्यरे एवं गोटे एक्सेलेंट मार्क आपण रहइबो समस्त एही भिडियो रे कुहा जायथिबा नियम गुडी को पालन करिवे एवं जेउ जे कथा आपण कहबे से कथा को आपण ध्यान देबे काकिना आपणकर एहा प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एग्जाम सते जडित ओके आसंतु भिडियोटी को आरंभ करिवा जेहेतु सब पिला माने नुवा करे प्लस थ्री रे एडमिशन करिथांती एवं फास्ट सेमिस्टर प्लस थ्री लाइफ रे कौन प्लस थ्री लाइफ रे एग्जाम के दिन नथांती जीवन प्रथम एग्जाम कौन प्लस थ्री लाइफ रहा फास्ट सेमिस्टर जदि आम ये फास्ट सेमिस्टर नियम व कौशल टी ना देन आप प्रथम एग्जामा पिला 99% पिला फास्ट सेमिस्टर एग्जाम पर बर्बाद होता है कहते कौन आम फास्ट सेमिस्टर एग्जाम भल होलानी देन सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम को भल कर जेहेतु यहाँ गोटे छमास आपंकर एडमिशन ठीक छमास हम फास्ट सेमिस्टर पिला कौन करती ना ये जो टिके अनियमितता जो टिके अज्ञता जो से कौन करती ना फास्ट सेमिस्टर परीक्षा टू बेकार कर दिखती जहाद्वारा कौन हुए से रिजल्टा बैक लग जाए किए फेल हो जाती ये सर नु तो बर्तमान प्रश्न उठू ये प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एग्जाम केमी दबा कौन कौन पढ़ा केयम को ध्यान देवा एवं केउ को कथा को मानिले आम प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एग्जाम को प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एग्जाम आम टॉपर कर पारिया टॉपर पारिया टॉपर हो पारिया आइदर आपणकर गोटे एक्सलेंट मार्क जोटा कि आपण कैरियर प्रति बहुत भल बेनिफिट हम आप गोटे एक्सलेंट मार्क आसपर मो कथा बुझे तो देन आराम कुछ कथा ध्यान दिंतु देखते प्रथम तो प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एग्जाम आम मुख्यतः चारोटी सब्जेक्ट रे कतोटी ना चारोटी सब्जेक्ट रे कौन हुए ना एग्जाम 400 मार्क दबा पड़ता है के 400 मार्क देखो 6 मास मतलब 400 मार्क के जटिल कथा तो ये कथा आम सरल कर परिया ना नियम मान्य ना कौन जेहेतु आपणकर कौन फास्ट सेमिस्टर चारोटी सब्जेक्ट रे 400 मार्क परीक्षा देवा पड़ी थापर कौन हुए ना जेपर देखु आपणकर अनर्स पेपर को जहाँ आपंकर अनर्स थी आपंकर अनर्सटा ओडिया हो इंग्लीश हो पॉलिटिकल हो सोशियोलॉजी हिस्ट्री हो नटेटर आप जहाँ हो आपंकर अनर्स पेपर कौन कर फास्ट सेमिस्टर में दुई भाग विभक्त कर कोर वन एवं कोर टू बुझे कोर वन एवं कोर टू ये कोर कोर वन रु आस कौन ना 100 मार्क आस कोर टू रु आस मार्क कोर टू आस 100 मार्क तो आपर अनर्स पेपर को मार्क होगा ना 200 मार्क होगा आपंकर अनर्स पेपर देन आप गोटे कथ है ना आउ जो 200 मार्क रही बड़का सी कह आप 100 मार्क पढ़ा से कौन ना जीई अर्थात जेनेरिक इलेक्टिव आप जो सब्जेक्ट चूज करते कि ना यही इलेक्टिवटा परीक्षा देवी आप चूज करते देन आउ 100 मार्क हम ना एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स कौन ना ए ई सी सी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स बुझे 100 कौन गला ना जीई 200 जाइए कौन आम 200 जाइए अनर्स पेपर जाइए 200 कोर एंड गोटू अनर्स एच ओ एन ओके अनर्स जाइए आउ 100 मार्क कौन जीई आउ 100 कौन हम ना इलेक्टिव ध्यान दिंतु इलेक्टिव जीई इलेक्टिव आउट कौन गला ना ए सी सी देखु 100 है ए सी सी जोटा कंपलसरी आम कौचे कंपलसरी सब्जेक्ट बाध्य बाध्य आपको दबा तुम बाध्य आउ 100टा कौन हम ना इलेक्टिव आप चूज करते हैं कह जी कहींपर तेणुक आपणकर अनर्स गला 200 अनर्स गला देन इलेक्टिव गला इलेक्टिव आ कंपलसरी मिशी 200 100 100 इलेक्टिव आ कंपलसरी मिशी 200 6 मास कौन होगा आपंकर 6 मंथ रहा 400 मार्क एग्जाम ओके तो मोट गुराक कौन कले ना मोट पर 6 मास 400 मार्क एग्जाम दे बर्तमान प्रश्न उठू आम एत कम समय मध्य अर्थात 6 मास मध्य मात्र के 6 मास मध्य 6 मंथ्स 6 मास मध्य किपर यह 400 मार्क एग्जाम को केमी अति सहजे 90% अधिक मार्क आनीपर यही मेन कथा ध्यान दिंतु देखु तो प्रथम आम जापर जाना दरकार देखु कि 400 मार्क आप फास्ट सेमिस्टर 400 मार्क ना नहीं ए 400 मार्क 90% के मार्क रखे 90% कह देखते 400 के 90% तेनाली कौन करा
कहार ना 400 90% 400 कह गुणन 90% कहले 90 भाग शतकड़ा ओके दुश काटिद नच के 36 ये शून्यटा था ये पड़ा लगे 360 तेणुक 400 90% के 360 मार्क जदि गोटे पिला 400 रु 360 मार्क रखुच्छी कौन कह पाटी 90% रखी आपड़ कहते कि सारा संभव 90% रखिपरि आरे कहीं रखिपरि जो पिला 90% रखुच्छी ता तो से दुटा आखि ता तो से गोटे मस्तिष्क सी तो से गोटे मनुष ना मनुष नुह बास एटी मेन पिला को धारण रही आम रखिपरुनि दशम रखिनु प्लस टू में रखिनु टेन्थ रखिनु प्लस टू में रखिनु प्लस थ्री केमी रखु ये असंभव ये असंभव ये असंभव ना ये संभव कहीं प्लस थ्री ना आप अनर्स रखिले रिलेटिव रखिले आपने चूज कले कि मुझे कौ लाइन को जी तो ये रखे ना किए रख बुझे मात्र यह कौन ना समस्त पिला द्वारा संभव हो न थाए तेज आम 90% रखिले भी गोटे एक्सलेंट मार्क रखिपर ना ना 90% न रखा जदि कि सार मोर हम 90% कि मुझे हम जदि जे कौन ना हेनी तो गोटे एक्सलेंट मार्क रखे ना ना जी से मार्क देखिए शुणी खुणी क्या ना बढ़िया रखी टप मार्क रखे ना ना ये सुनो तो देखा ये 400 मार्क 80% के हो ओके 400 रो 80% के देखु आचो के 32 320 जदि गोटे पिला 320 मार्क रख ना 80% रखी 80% गोटे बढ़िया मार्क पीजी एंट्रांस बहुत सुविधा हम ये सुन मुख्यतः आम टार्गेट करिया कौन ना 80 रु 90% मार्क आसुगली है जदि आम बड़ टार्गेट करवा देन आम जी आप 90% टार्गेट रखिए आपणकर हुए तो 80 रु 85 भितर आप मार्क रही 90% न रही भी तेणुक फास्ट अफ अल टार्गेट बड़ टार्गेट उच्च रखिए मोर एति अधिया जो आशा करते जदि तुम कम मिले बुझे तेनाली सदा आशाटा अधिया रखिए ओके से आम 80% टार्गेट दे आप 75 रु 70% रो ये सर न बर्तमान प्रश्न उठे ये 80% 90% 85 ओके रखापी केमी पढ़ा केमी पढ़व कि आम गोटे एक्सलेंट मार्क रही पार जे से मार्क देखिए कह गए बढ़िया मार्क बुझे आई थे आप टपर हो पारे केमी पढ़ले ना कौन तो ध्यान दिंतु ध्यान दिखते प्रथम कौन करेंगे आपंकर जो अनर्स पढ़ा आपंकर जो अनर्स था हिस्ट्री था पॉलिटिकल था ओडिया था ओके आपंकर जहाँ था पीजी था केमिस्ट्री था आप जहाँ जो अनर्स था प्रथम कौन करेंगे ना आप अनर्स पेपर को ओके अनर्स पेपर आपको गुरुत्व देते फास्ट कौन अनर्स पेपर को गुरुत्व देते इंपोर्टेंस देते क्या अनर्स पेपर को कहीं आप कैरियर ओके आपंकर ये कौन ना कैरियर ओके आपको प्रथम आप गुरुत्व देते कि मोर अनर्स कौन रही कहीं आप अनर्स सदा कौन कहे ना अधिक अधिक मानते एक्जाम देते तेज अनर्स पेपर को आम कौन करा ना फास्ट सेमिस्टर में कौ रैंक प्रथम देन कौ टू को द्वितीय जो अनर्स को है प्रथम कौ रैंक क्लीयर करा कौ रैंक देन कौ टू मो कथा बुझे तो मो कथा बुझे ना ना जदि आम कौ रैंक पेपर को धारावाहिक देखो गोटे कथा पे समझे भूल करती देखु कॉलेज मानक भूल हुए कॉलेज मानक पढ़ा होता समय भी एवं अनेक पिला भूल करती आपंकर अनर्स जो गोटे अनर्स था आप कोर वन को फिनिश करी कोर वन को कोर टू को जी बढ़िया हे पिला कौन करती ना कोर वन नहीं ओके कोर वन नहीं कोर वन यूनिट वन पढ़ले आज तो कल कॉलेज पढ़ाला यूनिट थ्री देन सी भी यूनिट थ्री पढ़ती एमती केवे कर धारावाहिक भाव तो प्रश्नटी कौन है प्रथम है आप धारावाहिक धारावाहिक भाव पाठट क्लीयर करेंगे ओके धारावाहिक भाव देखो धन कोर वन रही यूनिट वन पढ़ली ओके देन यूनिट वन सर यूनिट टू को जी यूनिट थ्री को जी ए पिला कौन करती कलेज कौन करे कलेज क्लास हुए नहीं बुझे तो भलसे कौन करते कलेज मानक यूनिट वन पढ़ा कौन सार यूनिट थ्री पढ़े सी तो लेक्चर ना बुझे से मैंने कौन पढ़े तेणुक तुम माइंड कौन तुम माइंड कैपेसिटी कौन मो कथा बुझे भल भाव में तुम माइंड कैपेसिटी कौन मुझे कहीं कहली जड़े यूनिट वन सारे यूनिट टू को जाऊ यूनिट थ्री को जाओ कहीं कहली ना पिलाने कॉलेज लाइफ ये प्लस थ्री लाइफ विशेषकर मैंने ये भूल करती कौन करते वन पढ़ी समय थ्री को पढ़ाते एमती कहीं करेंगे नहीं धारावाहिक ये विषय कौन कहला देन से विषय रिलेटेड एपटे कही थपटे कही थे करते जदि आम यहीटा को पढ़ी बात देदे पलैया देन ये भूल हो आम कौन करा पाठपढ़ा बुझा अपेक्षा ये घोषा आरंभ हो
ହେ କଲେଜରେ ଯାଏ ପଢ଼ାଇ ଗଲାଇ ହେ କଲେଜରେ ସିଲାବସ୍ ଆଗେଇ ଗଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଓକେ ତମେ ନିଜେ କ'ଣଟା କରୁଛ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଆଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆଣ ସେ କଥା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ତମେ ନିଜେ କେମିତି ପଢ଼ ତମେ କେମିତି ପଢ଼ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି ତେଣୁକୁ ସଦାବେଳେ ପାଠଠୁ ବୁଝିବେ ୱାନ୍ ବୁଝିଲେ ଦେନ୍ ଟୁ ବୁଝିବି ଥ୍ରୀକୁ ବୁଝିବି ଫୋର୍କୁ ଯିବି ସରିଲା ଦେନ୍ କୋର୍ ଟୁକୁ ଯିବି ସତ କେବେ ଭୁଲ କରିନି କୋର୍ ୱାନ୍ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଜି କୋର୍ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସରିଗଲେ କାଲି କୋର୍ ଟୁକୁ ପଳେଇ କାହିଁକି କୋର୍ ୱାନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଫିନିସ୍ ହଉ ଦେନ୍ କୋର୍ ଟୁକୁ ଯିବା କଥା ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର୍ ତ ଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟାକୁ ଓକେ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଅନର୍ସ ପେପର୍ କ୍ଲିୟର୍ ଅନର୍ସ ପେପରକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ଅନର୍ସଟା କ୍ଲିୟର୍ ତ ଅନର୍ସ ପେପର କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେକୁ ଆସିବା କ'ଣ ନା ଜିଇ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜିଇ ୱାନ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଇ ଟୁ ଥାଏ ଓକେ ଜି ଟୁ ଜି ୱାନ୍ଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବେ ଜି ଟୁଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଇ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଥିବା ପାଠଟି ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଓକେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଥିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିବ ସୋସିଓଲୋଜି ଥିବ ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇଥିବା ଆଦିରୁ ମୁଁ ନେଇଥିବି ତାହେଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ଦେନ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱାନ୍ରେ ସୋସିଓଲୋଜି ରହିବ ଓକେ ଆପଣ ଜିଇ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱାନ୍ରେ ସୋସିଓଲୋଜି ରହିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଜିଇ ଟୁରେ ଆପଣ ଯଦି ନେଇଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଓକେ ତେଣୁ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ପଢ଼ିବା ନା ଆପଣ ଜିଇ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍କୁ ମ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରେ କଲେଜରେ କି ସାର୍ ଆମର କେଉଁ ପେପର୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି କେଉଁ ପେପର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟୁ ପେପର୍ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାନ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ାଯାଏ ଏଇଟା ପଢ଼ାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଜିଇ ୱାନ୍ ଦେବେ ସୋସିଓଲୋଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଇ ୱାନ୍ ବୁକ୍ ନେଇଥିବେ ସୋସିଓଲୋଜି କି ଗାଇଡ଼ ନେଇଥିବେ ସୋସିଓଲୋଜି କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିବ ନା ଜିଇ ଟୁ ପଢ଼ାଉଥିବ ସେ ସୋସିଓଲୋଜିର କିନ୍ତୁ ଥିବ କ'ଣ ଜିଇ ଟୁ ଏଠି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଓକେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ସୋସାଇଟି ପଢ଼ାଉଥିବ ତ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି ମୋ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ବୁଝିଲି ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନା ନାହିଁ ୱାନ୍ରେ ଏ ଟୁରେ କରିଥିବେ ନା ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ବୁଝିଲେ ତ ତେଣୁକୁ ସେଟା ସାର୍ଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିବେ କି ସାର୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱାନ୍ରେ କେଉଁ ପେପର୍ ପଢ଼ାଉଛି କେଉଁ ପେପର୍ କ୍ଲିୟର୍ ତ କେଉଁ ପେପର୍ ପଢ଼ାଉଛି ୱାନ୍ ପଢ଼ାଉଛି ନା ଟୁ ପଢ଼ାଉଛି କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେନି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁରେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଜିଇ ଟୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ପଢ଼ାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ୱାନ୍ ପେପର୍ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ସେଟା କଲେଜ ପଚାରିବି ଓକେ ନହେଲେ ଆପଣ ୱାନ୍ ପଢ଼ିଯାଇଥିବେ ଟୁରୁ ପଢ଼ିକି ପରେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସ୍ତ ବେକାର ହେଇଯିବ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା AECC ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଓକେ କମ୍ପଲସରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି କାହିଁକି କାହିଁକି ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି କହିବା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କହିବା ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଟା ହେଲା AECC ଆବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି କୋର୍ସ କାହିଁକି ନା ସରକାର ଦକ୍ଷତା ବଦ୍ଧକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ସମସ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହାର ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓକେ ଏମିତି କାହାର କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡଟ ଏସେଟ୍ରା ଯାହାର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କରେ ACCଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇଭିଏସ୍ ଥାଏ ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆପଣ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କି ସାର୍ ଅର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର କଲେଜରେ ACCରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଭିଏସ୍ ଅଛି ନା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଭିଏସ୍ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଓକେ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ନୁହଁ 6 ଦିନ କାଫି କାହିଁକି ନା ସଦାବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ କେବେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନୁହଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜାଣିବାର କୌଶଳ ଅଛି ଏ ପାଠଟା କାହିଁକି ପଢ଼ାଉଛି କେମିତି ପଢ଼ାଇବ କେମିତି ପଢ଼ାଇଲେ ଭଲ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଓକେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ବି ଆରମ୍ଭ ଦେଉଛି ଯଦି ବି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।